अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेला। आप देख रहे हैं सुहेला की रसोई। आज हमारी रसोई में बनेगा सूजी का हलवा और पूड़ी, एकदम बाज़ार वाला मार्केट स्टाइल, या ये कहें हलवाई स्टाइल। परफेक्ट रेसिपी है। आइए सामान देख लेते हैं। यह हमने एक कटोरी सूजी ले ली है, बिल्कुल बारीक वाली सूजी है, ये एकदम बारीक वाली है, मोटी वाली नहीं ली हमने। और एक कटोरी चीनी ली है, शुगर, जितनी सूजी है उतने ही हमने चीनी ले ली है। आधी कटोरी ऑयल ले लिया है हमने। ये हमने कुछ सामान लिया है, एक मुट्ठी किशमिश, एक मुट्ठी नारियल और थोड़े से सफ़ेद तिल और 4 से 5 इलायची, ये ले लिया हमने। आप ड्राई फ्रूट अपनी कोई सी भी पसंद का ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये हमने ले लिया है एक छोटी कटोरी सूजी, ये वाली कटोरी हमने ली है आधी मैदे की और आधी गेहूं के आटे की। और ये कटोरी हमने सूजी की ली है, बारीक वाली सूजी, और 2 पिंच या 1/4 स्पून ये अजवाइन ले लिया हमने। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे इसमें। और इसको हल्का सा पानी लगाकर सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और इसको एक सॉफ्ट गूंद लेंगे, सॉफ्ट डो लगा लेंगे अच्छी तरह पंच लगाते हुए। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसको रख देंगे रेस्ट पे 5 से 7 मिनट। इतने हमारा हलवा बनेगा, इतने हम इसको रेस्ट पे रखेंगे आटे को। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी रेसिपी पहुंचेगी आप तक सबसे पहले मेरी वीडियो। ये हमने ऑयल ले लिया, उसे थोड़ा सा गर्म किया और उसमें सूजी ऐड कर दी। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। इसको हम एक दूसरी साइड में हम पानी रख लेते हैं इसका। एक कटोरी हमने ले ली, एक कटोरी सूजी के लिए हम 2.5 कटोरी पानी लेंगे, ये 2 कटोरी हो गई। एकदम नाप के बनाएंगे, एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी। ये आधी कटोरी ये हो गई, पूरा हम इस तरह से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी हलवाई वाली। और ये चीनी भी ऐड कर देंगे, इसको बॉयल आने देंगे। सूजी को भी चेक करते रहेंगे, इसको चलाना हम नहीं छोड़ेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे, वरना नीचे से एकदम डार्क कलर की हो जाएगी। और ये मैंने लेमन येलो फूड कलर ले लिया है, ये ऐड करेंगे 2 पिंच। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर इससे कलर खूबसूरत आ जाता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। 2 पिंच ये फूड कलर ले लिया, लेमन फूड कलर। ये किशमिश, नारियल और ये तिल, ये भी इसमें पानी में ऐड कर देंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, पानी में बॉयल आएगा तब। सूजी को चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे हलवे की और जर्दे की बहुत सारी रेसिपी हैं, आप प्लीज़ उनको भी विज़िट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। चाशनी को हमारे बॉयल आ गया, हमें सिर्फ चाशनी बनानी है, ऐसा घोलना है चीनी को। चीनी पक चुकी और अब हम इसमें सूजी में ऐड कर देंगे और सिम फ्लेम कर देंगे। एकदम मीडियम थी पहले हमारी फ्लेम स्टोव की, अब इसे बिल्कुल सिम फ्लेम कर देंगे और सिम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे हलवे को कुछ कोने तक। हम बुनाई कर लेंगे इस तरीके से, वैसे तो हमने सूजी की अच्छे से बुनाई कर ली थी। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके कवर करके रख देंगे। अब हम पूड़ी बना लेते हैं, एकदम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। पहले हम सारे पेड़े बना लेंगे इसकी लोइए। छोले पूरी और आलू की सब्ज़ी पूरी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप उनका भी विज़िट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है। और ये हमने पूरी इसी तरीके से बेल लेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया है, ऑयल तेज़ गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे। एकदम फूली फूली सारी, एक भी हमारी पूरी ऐसी नहीं बनी थी जो ना फूली हो, और बढ़िया पूरी बनी थी, एकदम से फूली फूली। ये नाश्ता आप बच्चों को या मेहमानों को दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है।
इसको पलट पलट के हम फ्राई कर लेंगे पूरी को, और ऐसे ही मैं और बना लूँगी। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। ये पूरी हमारी फ्राई हो चुकी है, ऐसे ही मैं और बनाऊंगी। ऐसे हल्के हल्के हम दबाकर बनाएंगे तो एकदम फूल जाती हैं पूरी है। हमने इसमें देखो ना सोडा डाला है ना बेकिंग पाउडर, कुछ नहीं डाला है, फिर भी एकदम फूली फूली हमारी पूरी बनी है और क्रिस्पी पूरी हो रही थी एकदम से, जो हमने सूजी डाली है इसकी वजह से। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। पूरी हमारी सारी ऐसे ही फ्राई हो गई हैं। डिश आउट कर लेते हैं। यह हलवा भी हमारा तैयार हो चुका। एक बाउल लेंगे, इस बाउल में हम नारियल और किशमिश नीचे रख देंगे। अगर इस तरीके से सर्व करते हैं अच्छा लगता है, देखने में खूबसूरत लगता है। अब इसमें हलवा हम डाल देंगे बाउल में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। 8 मिनट की हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं बनाते हम। अब इसको एक प्लेट में लगा लेते हैं साइड करके और पूरी रख देते हैं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार हलवा पूरी हमारा तैयार है, बच्चों बड़ों के लिए सबका फेवरेट हो जाएगा। एक बार इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं।